हो राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, मेरा झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज 21 तारीख है और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आज ठंड है। हमको इतना दिन ठंड बिता लिया पर आज हमारा सबले ज़्यादा दोस्तों ठंडी लग रहा है। मेरा तो जी नहीं कर रहा है आज काम पर जाने का, पर दोस्तों चलेंगे, काहे से दूसरी का टीम वाले मिस्त्री लोग जा रहे हैं काम करने, इसलिए हम भी चलेंगे। और देखिए सुबह सुबह अभी हम 8:15 हो रहा है और यहाँ पे मौसम दोस्तों एकदम बिल्कुल सही है, पर थोड़ा ज़्यादा हवा चल रहा है ना, इसलिए हवा से ठंड ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी तक ले हम लोग सोया था और अभी अभी उठकर मैं मुँह हाथ धो लिया। देखिए उधर जा रहे हैं मिस्त्री भाई, चल दिए, चलो तो चलिए अब हम भी खाना खाते हैं और चलते हैं। कैसे 26 जनवरी के तक छुट्टी रहने वाले हैं, इसलिए अभी हम लोग चलते हैं काम करने। तो चलिए यही हमारा कमरा है और कमरा के अंदर चलेंगे तो देखिए क्या चीज़ बनाया है खाना होना। और इसमें देखिए दो भाई यहाँ पे है। और भैया क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं आज? दाल चावल अंडा। अच्छा देखिए चावल और दाल निकाल रहे हैं हम ही लोग के लिए। हाँ हाँ ये लोग तो फटाफट खा लेता है, ये लोग खाने में बहुत तेज होता है। अच्छा देखिए इधर लक्ष्मी भैया अंडा भी बना दिए हैं। और भैया कुछ कुछ बंदा है ना खाने में तेज होता है, तेज होता है। हाँ खाने अच्छा। पीने में आगे रहता है। हमारा रूम में दो बंदा वैसा निकल चुका है। अच्छा जितना मर्जी ठंड रहे पेट पूजा पहले होना चाहिए। अच्छा चलो अब हम भी दोस्तों बैठते हैं। देखिए लक्ष्मी भैया इधर अंडा के छिलको सब सफाई उफाई कर रहे हैं, धोने जा रहे हैं। और ये रहा अंडा और दाल। दोस्तों अच्छा बनाया है ना, वाह। लक्ष्मी भैया ने सुबह सुबह उठकर बनाते हैं खाना। चलो दाल रखो, चलो दाल रखो। फाइनली हमारा खाना होना देखिए यहाँ पे लग चुका है। और अंडा देखिए दोस्तों हमारा लक्ष्मी भैया एक ही अंडा के कितना बड़ा बना दिए, पतला हो गया है, मैंने पतला हो गया है, पतला हो जाता है। और दाल मैंने ज्यादा रखा हूँ, कैसे अभी कुकर में बहुत ज्यादा है उमेश के लिए दोस्तों, इधर खाना है अभी। तो चलिए हम लोग दोनों भाई मिलकर खा लेते हैं और आप लोग के भी मैं बोलना चाहेंगे आइए खाइए। और बहुत खुशी लग रहा है दोस्तों जो अपना अयोध्या में कल राम जी प्रवेश होने वाला है, आने वाले है। तो कल आप लोग सुने हैं दोस्तों राम जी के गाना और बहुत प्यारा वाला सॉन्ग है दोस्तों, हमको बहुत ही पसंद आता है, जो एक पवन सिंह का गाना है रोवे ले रघुराई। चलो इसी बात पर गा देते हैं, रोवे ले रघुराई। शक्तिमान है लगल लक्ष्मण के रोवे रघुराई, अखिया खोला बबुआ, अब के कहब छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ। दोस्तों ये सब गाना सुनने के बाद दोस्तों राम जी के बहुत सुबह सुबह पसंद होता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसे हमारा ब्लॉग में दोस्तों एक दो गाना भी आज से सुनने का मिलेगा, डेली का अलग अलग गाना। और चलिए साइड की ओर चलते हैं, उधर भी गाएंगे भोजपुरी गाना। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए, कैसे लेबर मिस्त्री वाला काम होता है ना, समझिए हम लोग ज़्यादा गाना सुनते हैं और गाते हैं तभी हम लोग के मन लगता है काम वाम करने में, हर एक आदमी के लेबर मिस्त्री में। तो आइए हम लोग फटाफट खा लेते हैं खाना। खाना तो बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों कंपनी में आ चुके हैं और देखिए वो जो ट्रैक्टर ले आ रहे हैं हमारा फोरमैन, और यहाँ पे है सीमेंट देखो।
यहाँ पे है सीमेंट, कितना सारा सीमेंट है यहाँ से अब हम लोग उठाएंगे। सब आदमी काम पे आ चुके हैं, देखिए ट्रैक्टर ले आ रहे हैं और इधर से बड़ा वाला बिल्डिंग उधर दिखाई दे रहा है उसमें ले जाना है। आओ 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 आओ, इधर आ गया। अब यहाँ से हम लोग उठा कर रखेंगे, पास में आ गया। देखिए लक्ष्मण और लक्ष्मी भैया सीमेंट ले आकर वहाँ से उठा रहे हैं ठंडी में, और गाड़ी में ला रहा है। और यहाँ पे गाड़ी में देखिए इसमें लोड कर देगा और फोरमैन हमारा आके उधर ले जाएंगे उस वाला बिल्डिंग में। कितने बोरा चाहिए भाई? चलो ना, रखो रखो रखो, 10-15-20 बोरा रखो। हम लाद दिए सीमेंट और वहाँ पे हमारा फोरमैन ले जा रहे हैं। देखिए फोरमैन अब लेके चलते हैं उधर वाला साइड में, और ये लोग के जी देख खाली हो गया बहुत दोस्तों। ये तो मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ हाथ में से। चलिए चलिए, इधर ट्रैक्टर आ रहा है, दौड़ भी लग रहा है। ले चलिए, देखिए सीधा उधर इधर से चलते हैं ना, तो उधर से सोसाइटी वाले लोग हैं ना, माना किए हैं। और लक्ष्मी लक्ष्मी भैया इधर क्या घूम रहे हैं? और सुनने में आ रहे कल राम जी के अयोध्या में प्रवेश है, तो कल भी कहीं छुट्टी होगा। छुट्टी होगा, देखिए राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ये इधर सब छड़िया वाले भैया लोग काम में लग चुके हैं, यहाँ पे छड़िया उड़िया बांध रहा है और हम उधर चल रहे हैं उस वाले बिल्डिंग में। सीमेंट गिर चुका है, फिर गाड़ी वहीं पे ले जाइएगा। अच्छा देखिए सीमेंट आ गया इधर और हम लोग इधर मसाला बनाएंगे। देखिए फिर ट्रक से ईंटा आया है, अरे भैया का मार रहा है। और फिर लक्ष्मण इधर देखिए जनरेटर चालू होगा कि नहीं, मारो पंप, हो गया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बनाओ बनाओ मसाला बनाओ। फाइनली दोस्तों हम लोग चारों भाई दोस्तों काम पर से आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए उमेश भी आ चुका है। आज का काम कैसा किया? आज काम हाथ से किया, अच्छा किया। और कैसा ठंडी कैसा था? ठीक है। आज के तो ठंडी के बातें मत पूछिए, लक्ष्मण से भी अलग पूछ सकते हैं। ठंडी के कारण से हम लोग बहुत जल्दी भी आ चुके हैं। हाँ, 5 बजे ही आज हम लोग आ चुके हैं। और देखिए लक्ष्मी भैया दरवाजा उधर बंद कर दिए हैं और यहाँ पे खाना खुना बनाने का भिड़ चुके हैं। भैया क्या चीज की सब्जी बना रहे हैं आज? अच्छा गोभी, गोभी मटर चना। देखिए अभी प्याज काटे हैं और वहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये गोभी हो गया और ये आलू, आलू कैसे काटे हैं, पूरा लंबा लंबा काटे हैं। उमेश को थोड़ा और इसको ऐसे गोटा जैसा काटना चाहिए ना उमेश? हम कोई भी कोई काटना नहीं। अच्छा ये गोटा जैसा नहीं काटा है, और वाह ये भी बन रहा है। आज तो खाना दबा के चलेगा, अंडा भी डलाएगा इसमें, अंडा भी चलेगा, अंडा भी चलेगा। अच्छा देखिए दोस्तों इसमें अंडा भी रहेगा और ये भी है, अंडा को ऑमलेट बना देना। चलो ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों आज काफी स्वाद वाला दोस्तों ये मटर जब ले आते हैं तो इसका सब्जी बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लक्ष्मण तू तो खाएगा ना दबा के? राम पूजा है तो मैं छाया छोड़ दिया दूध में पान में। क्या राम पूजा है? अच्छा कल दोस्तों राम जी का अथी है ना, 22 तारीख का राम जी के पूजा है इसलिए। और देखिए प्याज कितने लगाते हैं भाई? हो गया। अच्छा यहाँ पे धनिया पत्ता बहुत सारा है। मैंने दोस्तों रात के कल ब्लॉग डालने गया था, जब तक आया हूँ काले रूम में देखिए इधर खाना वाना बना दिए हैं। दोस्तों मैं भागते आ रहा हूँ दोस्तों, दूसरे के वाईफाई के पैसा दिया हूँ और उसी के अगाड़ी दुकान के बैठ के और अभी अभी वीडियो डाल कर आया। जब तक देखता हूँ हमारा खाना लक्ष्मी भैया बना दिए हैं। और देखिए मटर का सब्जी उसी समय छीरे थे ना,
और ये देखिए ये रहा सब्जी और यहाँ पे देखिए उमेश कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत बढ़िया सब्जी बढ़िया बना है ना। तो और सब्जी ले लो। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मी भैया खा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम भी रख लेते हैं, यहाँ पे चावल निकाल दिए हैं लक्ष्मी भैया। और यहाँ पे देखिए सब्जी तो हमको लग रहा है ठीक है, पर इसमें मोटर ज़्यादा नहीं है, उस समय ज़्यादा मोटर लग रहा था। कब मोटर लगाया? छोटा छोटा दाना है, छोटा छोटा दाना है, छोटा छोटा दाना है, कम लगाया है। देखिए इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगाया है सब्जी, आप लोग देख सकते हैं कड़क लग रहा है ना सब्जी। हाँ सब्जी हमको लग रहा है सही बनाया है, पर चलिए खाते हैं। पर इस पे दोस्तों अंडा हो जाता तो सही रहता, नहीं तो काली बनिया है मस्त मास्ट मछली। आइए आप लोग दोस्तों खाना खाइए हमारा। और चलो भाई चलो भाई चलो, उसको भी निकाल दो, लक्ष्मण के भी निकाल दो, लक्ष्मण के इसमें निकाल दो भाई। फाइनली दोस्तों हमारा खाना होना हो चुका दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देखिए तीनों भाई इधर ब्लैंकेट में घुस चुका है। अब ठंडा के दिन में दोस्तों क्या ब्लैंकेट हटाए, ये लोग के भी दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों हम भी सोएंगे, काफी अच्छा ब्लॉग लगा होगा दोस्तों, कैसे 10-12 मिनट के तो ब्लॉग हमारा बन ही गया होगा कैसे पूरे दिन। और कल दोस्तों हमारा छुट्टी है, तो मैंने दोस्तों आज एक भजन से आप लोग की शुरुआत करता हूँ, जो एक राम जी का दोस्तों बहुत प्यारा सा हमारा सॉन्ग लगता है हमारा दिल और दिमाग में दोस्तों। जब से मैंने ये गाना सुना हूँ, जब से हमारा दिल और दिमाग में से ख्याल जा नहीं रहा है, जो गाना के नाम है दोस्तों, कल दोस्तों मैं गाना गा कर ही पूरा राम के भजन सुनाऊंगा। और आज पहले दो कड़ी सुन लीजिए, उसको बाद दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबा लेना। और ब्लॉग हमारा अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करना, कैसे हमारा डेली का लाइव स्टाइल आप लोग के देखने का मिलेगा। और रात के दोस्तों ये गुड नाइट में दोस्तों अब हम सोएंगे, उससे पहले एक हमारा भजन से आपको हम शुरुआत करते हैं, जो भजन के नाम है एक पवन सिंह के, पहले एक माई के भजन आप लोग सुनिए। शरदा भवानी रखा सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ी परी पैया हो मैया, बुधिया के हीन बानी दुखिया के हीन, न पूरा पढ़नी पढ़ैया मैया। बहुत ही प्यारा सॉन्ग ई पवन सिंह के लागल है, तो आगे का कहलस सुनी जा। हो बानी असर में हो बानी असर में हो, अरे आ जाई तू हे माई सबका लाज तू बचा, जाई तू हे माई सबके लाज तू बचा, जाई तू हो बानी असर में हो, तनिया जाई तू ए माई ए माई। प्लीज दोस्तों हमारा के सपोर्ट आप लोग जरूर करिएगा, कैसे एक से काल हमारा ब्लॉग में आप लोग के गाना देखने का मिलेगा। तो चलिए एक राम भजन के शुरुआत हम करते हैं, जो अभी मनोज तिवारी और पवन सिंह ने गाना गाए है, जो अभी अभी ट्रेंडिंग जो सॉन्ग चल रहा है। राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो आंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, मेरा झोपड़ी के भाग आज
फूल जाएंगे राम आएंगे, मेरा झोपड़ी के भाग खुल खुल जाएंगे राम आएंगे। गुड नाइट दोस्तों, अब हम सोते हैं, फिर कल के ब्लॉग में हम आप सभी से मिलते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।